हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आवाज बिल्ली वाला। आज मैं आपको जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि हम अपनी एग्रेसिव फीमेल को मेट कैसे करें। कुछ लोगों का सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनके यहाँ की जो फीमेल होती है वो किसी से भी मेट नहीं होती। कहीं भी ले जाए, कहीं का भी मेल ले आए, मेट नहीं होती। आज मैं जो आपको थ्योरी बताने जा रहा हूँ, जो वे बताने जा रहा हूँ मेटिंग का, आपकी कितनी भी एग्रेसिव बिल्ली हो, मैं 110% गारंटी देता हूं कि वो मैट होगी जरूर। मगर आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी और आप स्टेप बाय स्टेप उसे फॉलो करते रहिए। दोस्तों, अक्सर होता क्या है, हमारी जो कैट होती है ना, हम उसे जब छोटा सा लेकर आते हैं तो हम उसे बहुत प्यार से लाड से रखते हैं, तो वो पूरा का पूरा जो घर होता है ना, वो ये सोचती है पूरा घर ये मेरा है और मैं यहाँ की मालकिन हूँ। अब होता क्या है कि जैसे वो बड़ी होती है और हीट होती है, उसे हीट पे आती है, तो धीरे धीरे आप कहते हैं कि भाई मैट कराने की जरूरत है, ये परेशान हो रही है, खाना नहीं खा रही है या वीक हो रही है, तो आप मैट कराने के लिए भेजते हैं उसे। जब आप मैट कराने के लिए भेजते हैं तो वो मैट नहीं होती। जब किसी मेल को आप घर पे लेकर आते हैं तो मैट कराने की कोशिश करते हैं तो उसे बिल्ली को मारती है, यही प्रॉब्लम आपके साथ होती होगी, तो खाना खाना छोड़ देती है वो और बहुत ज्यादा जो है एग्रेसिव हो जाते हैं एक दूसरे के लिए, दोनों ही परेशान हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि ये उसे मार देगा या ये उसे मार देगी। अक्सर होता क्या है दोस्तों कि आप कॉमन चीज समझिए कि जो पर्शियन में जो फीमेल होती है ना, वो बहुत एग्रेसिव होती है, ये कॉमन है, और जो मेल होता है वो बहुत साइलेंट होता है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अक्सर लोग कहते हैं कि मेरी बिल्ली बहुत खतरनाक है, आपका बिल्ला कुछ नहीं कर पा रहा। बस बात वो नहीं है, बिल्ला कुछ कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, बिल्ले को जो काम करना है वो करके रहेगा अपना, ठीक है ना। उसे मौके की तलाश होती है। अब वो मौका कब मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। जो फीमेल है ना, वो फीमेल आपकी मेट तब होगी जब वो मेल को पसंद करती होगी। अब वो मेल को पसंद करने के लिए कोई पर्टिकुलर कलर या कोई ब्रीड नहीं होती, पसंद करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। आप जो चीज मैं बता रहा हूँ ना, आप उसे फॉलो करिए, 110% मैट हो जाएगी वो। आपको क्या करना है कि कोई भी मेल हो जिससे मैटिंग होनी है, आप अगर एग्रेसिव आपकी फीमेल है तो आप उसे मैटिंग के लिए कहीं भेजिए मत। सबसे पहली गलती ये मत करिए। दूसरी चीज, आप उसे लेकर आइए अपने घर पे। जब आप घर पे लाते हैं ना, तो कम से कम मिनिमम 15 से 20 दिन का टाइम लेके आइए। अब आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि हीटिंग टाइम तो होता है 5-7 दिन का, 15 से 20 दिन हम लाके रखेंगे क्या, मतलब रख के करेंगे क्या। तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। जरूरी नहीं है कि वो उसी हीट पे मैट हो सकता है नेक्स्ट हीट पे मैट हो, मगर आपको सबसे पहले तो फ्रेंडशिप करानी है, जो मेन चीज है। आपके सामने जीता जागता सबूत एक बैठा है, एक हमारे व्यूवर है, अगर वो वीडियो देख रहे हो तो वो जानते हैं इस चीज को कि उनकी फीमेल कहीं मैट नहीं हो रही थी। जब इस बात को डिस्कस किया उन्होंने मुझसे, तो मैंने कहा आप मेरे पास छोड़ दीजिए, मैं कोशिश करूंगा तो इंशाल्लाह हो जाएगी। तो उन्होंने छोड़ा, मैंने 1 महीना उनसे लिया था और मैंने 100% मैट कराकर ही उसे भेजा था जब वो प्रेग्नेंट हो गई थी, ठीक है ना। वो कैसे कराया मैंने, वो ऐसे कराया, जब मैं लेके आया तो एक्चुअली मेरा तो घर है, मैं काम भी नहीं करता कैट का, फीमेल सेल परचेज में करता नहीं। तो जब मैं घर पे लेकर आया उनकी फीमेल को, तो मैंने घर जैसे माहौल में उसे रखा। फीमेल बहुत एग्रेसिव थी, तो कभी फ्रिज के नीचे, कभी टीवी के नीचे घुस जा रही थी, तो मैंने उसे उसके हाल पे छोड़ दिया। 1-2 दिन में जब वो थोड़े सा, उसे 7-8 घंटे बाद भूख लगी तो वो बाहर निकली, तो मैंने क्या करा, जो मैं अपनी कैट्स को खाना देता हूँ, मैंने उसी प्लेट और उसी बाउल में, पानी के बाउल में पानी और उसी प्लेट, खाने के प्लेट में खाना, उसे रख दिया। जब मैंने रखा तो उसने देखा कि बाकी कैट्स भी खा रही है, मेरे को भी इसमें से खाना है, तो उसने खाया नहीं। अब 2-4 घंटे कब तक पीछे भागती। अब उसने क्या करा, 6-7 घंटे बाद फिर वो आई और थोड़ी सी कोशिश करी खाने की। तो दोस्तों ऐसे धीरे 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 4 दिन में 5 दिन में 7 दिन में मैक्सिमम उसे 8 दिन लगे थे, 8 से 9 दिन, और वो बिल्लियों के साथ खाना खाने लगी थी, मगर उसका अभी गुस्सा खत्म नहीं हुआ था। खाना तो खाने लगी थी मगर फिर भी वो मारती थी दूसरी कैट्स को, जो मेरा मेल कैट था उसे भी मारती थी। तो उसने क्या करा, 7-8 दिन में खाना खाने लगी और बाकी 10 से 15 दिन में उसकी फ्रेंडशिप हो गई। मगर जब वो मेरे पास आई थी ना, वो तब भी हीट पे थी, मगर जब वो 10-15 दिन रुकी तो हीट खत्म हो गई उसकी। जैसे ही उसकी नेक्स्ट हीट आई, तकरीबन 22 से 25 दिन बाद, फौरन उसने मेल कैट से मेट हो गई। आप समझे इसका मतलब, इसका मतलब ये होता है कि आपको अगर एग्रेसिव कैट को हीट, मतलब मेट कराना है, तो उसकी हीट का इंतजार नहीं करना, उसकी फ्रेंडशिप का इंतजार करना है। हीट तो वो वैसे ही आ जाएगी,
आज नहीं आएगी तो 15 दिन बाद आ जाएगी, हीट तो उसका सर्कुलेशन है, आप बाद में आ जाएगा, मगर सबसे पहली जो जरूरी चीज है वो है फ्रेंडशिप। तो आप फ्रेंडशिप कराइए, उसके बाद मेट वो अपने आप हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की सबकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप जिस मेथड मैंने जो मेथड बताया है आप उसी मेथड को फॉलो करिए, और इंशाल्लाह ताला आप खुशखबरी सुनाएंगे जरूर मुझे इंशाल्लाह। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।